आज की स्टूडियो में आपको बताने जा रहा हूँ कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड विच जो फ्रिक्वेंटली हमारी कम्युनिकेशन में यूज होते हैं जब हम इंग्लिश बोलते हैं। तो चलिए लर्न करते हैं सुपर पास्ट। पहला क्या है? कोई नहीं। कोई नहीं जब आपको बोलना हो तो आप क्या बोलेंगे इंग्लिश में? नन, नन या नो वन, कोई नहीं, नन और नो वन। थर्ड नंबर देखिए, कोई नहीं, नो बडी, कोई, एनी वन, कोई भी, एनी वन। कोई को क्या बोलेंगे? एनी। कोई भी को क्या बोलेंगे? एनी वन, या फिर एनी बडी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ। कुछ को क्या बोलेंगे? सम। एट नंबर देखिए, कोई एक, सम वन। कुछ का मतलब सम और कोई एक, सम वन। या नाइन नंबर देखिए, कोई एक, कम को आप ये भी कह सकते हैं, समबडी, समबडी। कहीं भी, एनीवेयर, किसी जगह, समवेयर। कहीं और, एल्सवेयर, कहीं और चलते हैं, कहते हैं ना लेट्स गो एल्सवेयर। जो कुछ भी, वाट एवर, जहाँ कहीं भी, वेयर एवर, जब कभी भी, वेन एवर। 16 नंबर देखिए, जो कोई भी, हु एवर। 17 नंबर देखिए, जो कोई भी, यहाँ पे होना चाहिए जो कुछ भी, ठीक है, या जो कोई भी। ये जो है, ये देखो, जो कोई भी, ये हु एवर यूज करेंगे जब किसी पर्सन के सेंस में हो। जब कोई सामान के सेंस में आपको यूज करना है तो विच एवर, जैसे तुम जो कोई जिसको भी चाहो उसको अपने साथ ले जा सकते हो, तो हु एवर यू वांट यू कैन टेक। और दूसरा सेंटेंस है, आप जो भी सामान चाहो वो ले सकते हो, तो विच एवर थिंग यू वांट इट। तो सामान के सेंस में विच एवर और पर्सन के सेंस में हु एवर का यूज करते हैं। फिर भी, हाउ एवर, फिर भी, हाउ एवर। फॉर एग्जाम्पल, मैंने उसकी हेल्प की, उसके बाद भी उसने मेरी इंसल्ट की। हाउ एवर आई हेल्प्ड हिम, हाउ एवर ही इंसल्टेड मी। किसी भी तरह, एनी हाउ, किसी भी तरह, एनी हाउ। कैसे भी, एनी वे। बिल्कुल नहीं, नो वे, बिल्कुल नहीं, नो वे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 22, नथिंग। कुछ नहीं को क्या बोलेंगे? नथिंग, कुछ भी, एनी थिंग, कोई बात, समथिंग और एनी थिंग। दूसरा या एक और, अनदर, दूसरा और, दूसरा अदर, ठीक है, दूसरे के सेंस में हम अनदर या फिर अदर का यूज करते हैं। कहीं नहीं के में नो वेयर, कहीं, जैसे मैंने उसको हर जगह खोजा लेकिन वो कहीं नहीं मिला, तो आई सर्च हिम एवरीवेयर बट आई गॉट हिम नो वेयर, ठीक है। नो वेयर का मतलब कहीं नहीं, जबकि, वेयर एज, इसीलिए, देयर फोर, इसीलिए, देयर फोर। वहाँ से, देंस, जहाँ से, वेंस, ठीक है, किसी दिन, समडे और एनी डे भी कह सकते हैं आप। आजकल, नाउ डेज, उसके बाद, 34 नंबर लिखिए, उसके बाद, देयर आफ्टर, और इसके बाद, हियर आफ्टर। देखिए उसके बाद को क्या बोलते हैं? देयर आफ्टर, और इसके बाद को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? हियर आफ्टर। आई होप यू आर गेटिंग दिस क्वेश्चन। चलिए 36 नंबर देखिए, हेंस का मतलब होता है अतः, जैसे उसने मुझे डिस्टर्ब किया अतः मैंने उसको पीट दिया, तो ही डिस्टर्ब्ड मी, हेंस आई स्लैप्ड हिम और बीटन। देखो इसके बाद से, हेंस फोर्थ मतलब किसी चीज के बाद, ठीक, उसने मुझे एक बार धोखा दिया, उसके बाद से मैंने उसको उस पर कभी विश्वास नहीं किया, तो ही चीटेड मी वंस, हैंस फोर्थ आई नेवर ट्रस्टेड हिम। तो उसके बाद, किसी भी समय, एनी टाइम, किसी भी समय, एनी टाइम, कुछ समय, सम टाइम, जिसमें, वेयर इन, जिस पर, वेयर अपान, और उसके बाद, देयर अपान। तो आई होप स्टूडेंट्स दीज 42 वर्ड्स आप लर्न करेंगे डेफिनेटली, और ये जो वर्ड्स हैं ये फ्रिक्वेंटली आते हैं, अगर आपको इन वर्ड्स के बारे में पता हो और आप इसका राइट करेक्टली यूज कर पाएँ तो डेफिनेटली यू विल इम्प्रूव योर इंग्लिश कम्युनिकेशन वेरी फास्ट। तो आई रिक्वेस्ट यू टू प्रिपेयर ऑल दीज वर्ड्स, दे आर वेरी इसेंशियल फॉर इम्प्रूविंग योर इंग्लिश कम्युनिकेशन। सो सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो, एंड इफ यू एम नॉट सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू।